8/5 PM/5/2022 नैन्सी पेलोसी ने कहा, ताइवान को अलग थलग नहीं कर पाएगा चीन। अमेरिकी अधिकारियों को वहां की यात्रा करने से रोककर चीन ताइवान को अलग थलग नहीं कर पाएगा, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने शुक्रवार को टोक्यो में यह बात कही। पेलोसी ने कहा कि बीजिंग ने ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश की है, जिसमें स्वशासी द्वीप को विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने से रोकना भी शामिल है। चीन ताइवान को अन्य स्थानों पर जाने या भाग लेने से रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वे हमें वहां की यात्रा करने से रोककर ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकते। पेलोसी ने अपनी यात्रा का बचाव करते हुए यह बात कही, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों को वहां की यात्रा करने से रोककर चीन ताइवान को अलग थलग नहीं कर पाएगा, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने शुक्रवार को टोक्यो में यह बात कही। पेलोसी ने कहा कि बीजिंग ने ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश की है, जिसमें स्वशासी द्वीप को विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने से रोकना भी शामिल है। चीन ताइवान को अन्य स्थानों पर जाने या भाग लेने से रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वे हमें वहां की यात्रा करने से रोककर ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकते। पेलोसी ने अपनी यात्रा का बचाव करते हुए यह बात कही, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। 7/22/2022 चीन की नसीहत, भारत पाकिस्तान बातचीत से सुलझाए विवाद। भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर अपने मतभेदों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। चीन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म किए जाने की तीसरी वर्षगांठ पर यह बयान दिया। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जिसने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित किया गया था। अगले दिन लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी थी। भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर अपने मतभेदों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। चीन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म किए जाने की तीसरी वर्षगांठ पर यह बयान दिया। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जिसने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित किया गया था। अगले दिन लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी थी। 6/22/2022 चीन ने फिर बोला अमेरिका पर हमला। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि अमेरिका को एक और अमेरिकी हाउस स्पीकर को ताइवान जाने की अनुमति देने की गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि अमेरिका को एक और अमेरिकी हाउस स्पीकर को ताइवान जाने की अनुमति देने की गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। 6/7/22/2022 ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन के विमानों ने 68 बार उसकी वायुसीमा का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ताइवान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ी कार्रवाई करेगा। ताइवान का कहना है कि चीन ने अपनी कार्रवाई से यथास्थिति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। 5/48/2022 ताइवान के खिलाफ 4 दिन का चीनी सैन्याभ्यास जारी। चीन ने गुरुवार से 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास की घोषणा की है, जिसमें चीनी सेना ने ताकत के एक बड़े प्रदर्शन में ताइवान जलदमरू मध्य में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। बीजिंग ने अपने विमान वाहक को आजमाते हुए एक परमाणु पनडुब्बी को अभ्यास में शामिल किया। चीन ने गुरुवार से 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास की घोषणा की है, जिसमें चीनी सेना ने ताकत के एक बड़े प्रदर्शन में ताइवान जलदमरू मध्य में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। बीजिंग ने अपने विमान वाहक को आजमाते हुए एक परमाणु पनडुब्बी को अभ्यास में शामिल किया। 5/0/22/2022 ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, चीन के 13 युद्धपोतों और 68 विमानों ने जल क्षेत्र पार किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, चीन के 13 युद्धपोतों और 68 विमानों ने जल क्षेत्र पार किया। 4/1/2022 चीन ने अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर बातचीत रोकी। चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा के प्रतिशोध में जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों, नशीली दवाओं के खिलाफ काम पर अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है। एपी के हवाले से ये खबर सामने आई है। चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा के प्रतिशोध में जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों, नशीली दवाओं के खिलाफ काम पर अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है। एपी के हवाले से ये खबर सामने आई है। 3/31/2022
5/2022 अब चीन ने जापान पर उठाई उंगली। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने शुक्रवार को एक नियमित ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ताइवान जलडमरू मध्य में मौजूदा तनाव पर जापानी अधिकारियों के हालिया बयान गलतियों को सही ठहराने का एक प्रयास है। 1/47/5/2022 चीन ने नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगाए। चीन ने ताइवान की यात्रा करने पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर शुक्रवार को पाबंदी लगा दी। चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से समाचार एजेंसी एएफपी ने यह खबर दी है। पेलोसी ने चीन की धमकियों की परवाह किए बगैर गत शनिवार को ताइवान का एक दिनी दौरा किया था। इससे चीन बुरी तरह बौखला गया है। 2/4/5/2022 जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने पेलोसी से मुलाकात की। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शुक्रवार को कहा कि ताइवान की ओर लक्षित चीन का सैन्य अभ्यास एक गंभीर समस्या के दिखाता है, जिससे क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा है। दरअसल अभ्यास के तौर पर चीन द्वारा दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरीं। 1/11/5/2022 रक्षा बजट के मामले में चीन दूसरे स्थान पर। चीन इस वक्त रक्षा बजट के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके चलते दुनिया में युद्धक हथियारों के मामले में चीन काफी आगे है। /9/5/2022 चीन ने यूरोपीय देशों के राजदूतों को किया तलब। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने अब यूरोपियन यूनियन में शामिल 7 देशों के राजदूतों को तलब किया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने उनके साझा बयान का विरोध दर्ज कराया है। दरअसल इन देशों की ओर से बयान में कहा गया था कि ताइवान की सीमा पर चीन का सैन्य अभ्यास गलत है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। चीन का कहना है, यूरोपीय देशों का यह बयान हमारे आंतरिक मामलों में दखल है। 11/5/2022 चीन और ताइवान की जनसंख्या में कितना फर्क। चीन और ताइवान को बांटने वाली ताइवान की खाड़ी महज कुछ 0 किलोमीटर ही चौड़ी है। इस खाड़ी के जरिए ही चीन की 13 करोड़ लोगों की आबादी ताइवान की 236 करोड़ की आबादी से अलग रहती है। यानी अगर आबादी के अंतर को ही आधार बना लें तो ताइवान के एक व्यक्ति के मुकाबले चीन के पास 5 लोगों की ताकत है। चीन और ताइवान को बांटने वाली ताइवान की खाड़ी महज कुछ 0 किलोमीटर ही चौड़ी है। इस खाड़ी के जरिए ही चीन की 13 करोड़ लोगों की आबादी ताइवान की 236 करोड़ की आबादी से अलग रहती है। यानी अगर आबादी के अंतर को ही आधार बना लें तो ताइवान के एक व्यक्ति के मुकाबले चीन के पास 5 लोगों की ताकत है। 9/41/5/2022 चीन ने उड़ाए 0 फाइटर जेट। चीन और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार को मिसाइल दागने के बाद अब खबर है कि चीन ने ताइवान की सीमा पर 0 फाइटर जेट उड़ाए। हालांकि ताइवान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। इससे पहले खबर आई थी कि 22 चीनी विमान ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में भी घुस गए थे।